अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 10 नवंबर 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में अब तक का सबसे बड़ा महा सर्वे का क्या है रिजल्ट, उसको देखेंगे। दोस्तों एक और बात करेंगे कि दो चरणों में परिषदीय शिक्षकों का तबादला, जी हाँ दोस्तों करने की तैयारी हो चुकी है। पहले चरण में गंभीर बीमारियों से पीड़ित हुआ दिव्यांगों को मिलेगा मौका, दूसरे चरण में आम शिक्षकों का अंतर जिला तबादला होगा। उसके बाद दोस्तों जूनियर हाई स्कूलों में फंसे शिक्षकों की नियुक्तियां, शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती का अनुमोदन रोका, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे नए सर्वे का नया रिजल्ट देखेंगे, या बच्चे हो जाएंगे बाहर और जाने कितने बच्चे हो रहे हैं पास। काफी बच्चों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि कितने बच्चे होंगे पास 60 और 65 पर और 40 और 45 पर। तो दोस्तों इस वीडियो में दोनों का डिस्कस करेंगे कि 60-65 पर कितने बच्चे पास होंगे और 40-45 पर कितने बच्चे पास होंगे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ इन बच्चों को ही मिल पाएगी नौकरी, जी हाँ दोस्तों सभी बच्चों को तो मिल नहीं पाएगी। आपको पता है कि सीट लिमिटेड है, सिर्फ 69,000 सीटें, तो सिर्फ इन बच्चों को ही मिल पाएगी नौकरी। एक और सवाल दोस्तों आपकी तरफ से आया कि क्या 68,500 की 23,000 सीटें इसमें ऐड कर सकते हैं, तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया अभी कुछ दिन पहले कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका कितना गुणांक बन रहा है, तो दोस्तों लगभग 5,000 बच्चों ने जिसमें वोट्स किया, तो काफी बच्चों ने कहा 70 से कम बन रहा है, काफी बच्चों ने कहा 65 से कम बन रहा है, काफी बच्चों ने कहा हमारे 60 से भी कम बन रहे, और काफी बच्चों ने कहा हमारे 70 से भी अधिक बन रहे। तो दोस्तों हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 70 से अधिक कितने बच्चों के बन रहे हैं। देखिए दोस्तों होगा क्या ना कि आपके लिए सीटें कितनी बचेंगे, हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए सीटें कितनी बच रही हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों जो रेड कलर के सब्सक्राइब वाली बटन है उसको हल्का सा टच कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है ना। और वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और उन्हें भी बताइएगा कि कितने बच्चे पास होंगे, कैसे किसको नौकरी मिलेगी। तो दोस्तों देखिए समझेंगे इसमें कुछ बातों को। सबसे पहले दोस्तों देखिए अगर 70 से अधिक ये बच्चे हैं, 22% छात्र 5100 बच्चों में, ठीक है दोस्तों 5100 बच्चों का ये कमेंट्स है या वोट है, तो 5100 बच्चों में दोस्तों 22% का साफ साफ मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इसको हम 10,000 में कैलकुलेट करें तो लगभग आपका 2200 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 100 बच्चों में कैलकुलेट करें तो 22 बच्चे आएंगे, 1000 में करेंगे तो दोस्तों कितने 220 आ जाएंगे, और 10,000 में करेंगे तो 2200 बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो लगभग दोस्तों आपने एक बात समझ लिया कि अगर हमको इसको 1,00,000 में कैलकुलेट करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी हमारी लगभग 22,000 छात्र आएंगे, ठीक है। हम फिलहाल 4,00,000 में वोट नहीं करेंगे, नहीं तो 4,00,000 में तो 88,000 हो जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं, सारी सीटें तो यही लेकर चले जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों फिर भी एक दोस्तों ये चौंकाने वाला फैसला आपके सामने है कि यार 70 से अधिक गुणांक कितने बच्चों के बन कैसे सकते हैं, मतलब दोस्तों ये बिना शिक्षा मित्रों को लिया गया ये गुणांक है, ठीक है, क्योंकि शिक्षा मित्र तो तभी अपना भारांग जोड़कर तभी तो वोट करेंगे जब उनको पूछा जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों ये एक बड़ा कमेंट पोल है दोस्तों, जिसमें आप लोगों ने खुद ही आंसर किया, इसमें हमने तो वोट किया नहीं, आप ही लोग ने किया होगा। तो दोस्तों एक ये बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और उसके बाद दोस्तों बात कर लेंगे पहले आज जूनियर हाई स्कूल में फंसे शिक्षकों की नियुक्ति है। तो दोस्तों हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा आप देखने को मिल रहा होगा, कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आती, ऐसा ही दोस्तों आता है। देख लेते पूरी अपडेट्स क्या है कि जनपद के अशासकीय जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्तियां फंस गई है, शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की भर्ती का अनुमोदन रोक दिया है। ऐसे में शिक्षकों के करीब 300 से अधिक पदों पर नियुक्तियां अधर में लटक गई हैं। जनपद में 73 अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों में करीब 500 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इसके बावजूद तमाम प्रबंधक अपने चहेतों को नियुक्ति करने के लिए रियक्तियां दबाए हुए थे। इस बीच राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षकों की नियुक्तियों का मानक में संशोधित कर दिया गया। 15 जनवरी के शासनादेश के अनुसार अब 100 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में हेडमास्टर की नियुक्ति की जा सकती है। वही शिक्षकों का भी मानक न्यूनतम 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। शासन ने नए मानक के अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों के शिक्षकों के पदों की संख्या नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश दिया। अभी जनशक्ति पदों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही थी कि शासन ने नियुक्ति प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दिया, जिसे लेकर प्रबंधकों में खलबली मची हुई है। तमाम प्रबंधक नियुक्तियों की फाइल लेकर बीएसए दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। तो दोस्तों ये रोज नई नई अपडेट्स आपको निकल कर आती हैं कि नौकरी कहीं से भी नहीं मिल रही है, कहां कहां से दोस्तों फंस जाती है।
तो दोस्तों नए नए रोज नियम कानून आते जाते रहते हैं, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना है। एक और अपडेट निकल कर आया है कि 2 चरण में शिक्षकों का तबादला करने की हो रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, 2 चरणों में, 1 महीने 2 चरण में। तो देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम में भी आपको भी ट्रांसफर चाहिए होगा। जब आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में नौकरी मिल जाएगी तो सबसे पहले आप काम करेंगे ट्रांसफर का, क्योंकि आपको तो पता है कि आपको अपने जिले में नौकरी पाना उतना आसान नहीं होगा। जो बच्चे 80+ गुणांक पर आज बैठे हैं वो तो फिलहाल श्योर है कि उनको अपने जिले में नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिक्षा मित्रों की तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी अगर 40-45 की जीत होती है, तब की हम बात कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आपके 65+ गुणांक है 60-65 में तो भी आपको अपना जिला मिल सकता है। तो दोस्तों बात हम सब कुछ लेकर करेंगे ना, ऐसा तो करेंगे नहीं। देखिए एक बात और आपको बता दें, अगर कोई छात्र सोनभद्र का ही है तो दोस्तों डेफिनेटली चाहेगा हम सोनभद्र में ही रहें। कोई छात्र लखनऊ का है तो चाहेगा लखनऊ में रहे। तो हर जिले के हर छात्र हैं, ऐसी बात नहीं दोस्तों कि सिर्फ लखनऊ के छात्र हैं, पूरे यूपी में दौड़ रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जो छात्र जहाँ रहते हैं फिलहाल वो तो चाहेंगे यार हमें अपने जिले में नौकरी मिल जाए। और काफी छात्र गलती से दोस्तों दूसरा जिला ले लेंगे। गलती क्या होती पता है, आप लोग जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है ना, प्रेफरेंस लिस्ट बना के तो जाते हैं जल्दी जल्दी, जब साइबर कैफे में जाते हैं अगर वहां पर 1 साथ 10 बच्चे आ जाते हैं, ठीक है काफी बच्चे तो ये गलती करते हैं कि साइबर कैफे से कराते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग खुद करिए। हम आपके लिए पूरी वीडियोस बना देंगे, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा, आप लोग अपने घर पर करिएगा। अब वेबसाइट में दोस्तों काफी अपडेट किया जा रहा है, तो इस बार यूपी टेट 2019 का जो आवेदन चल रहा है आप देख रहे होंगे कितनी जबरदस्त वेबसाइट चल रही है, क्योंकि ये यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन लिया जा रहा है, इसलिए वेबसाइट दोस्तों बिल्कुल भी डाउन नहीं हो पा रही है। तो आपके टाइम में भी दोस्तों ऐसा ही होगा, लेकिन आपको पता होगा जब सुपर टेट का फॉर्म आया था तो कितनी दिक्कतें हुई थी ऑनलाइन आवेदन करने में, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में काफी चीज चेंजेस किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको एक बात बताना चाहते हैं यहाँ पर कि प्रेफरेंस लिस्ट में आप गलती क्या करते हैं, जैसे आपको अगर आपको पहला कानपुर चाहिए, कानपुर के रहने वाले हैं, ठीक है, अब दूसरा दोस्तों अगर आपको आगरा चाहिए, ठीक है दोस्तों आपने बना तो लेके गए, आपको तो हमें लग रहा है कि कुछ बच्चे कम से कम 50 लिस्ट डालेंगे, 50-50 जिलों के नाम डाल देंगे। तो दोस्तों हर एक जिले का जो लाइन हो, सिक्वेंस हो, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आप दूर का भी जिला लेना प्रेफरेंस कर सकते हैं कि अगर आपके चाचा नाना मामा मौसी कोई भी रहते हैं दूर दूर तो आप वहां नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे फायदा क्या होगा आपको पता है कि एटलीस्ट आपका कोई जानने पहचाने वाला वहां पर रहेगा, तो आप वहां नौकरी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने एक भी गलती किया और गलती से दोस्तों आपको कहीं और नौकरी मिल जाती है, जो 50 आप लिस्ट लिख रहे साइबर कैफे में ऊपर नीचे कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, नौकरी कहीं और मिल गई फिर आपको चाहिए होगा ट्रांसफर। तो दोस्तों ट्रांसफर कैसे होता है आइए देखते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला 2 चरणों में करने की तैयारी चल रही है। पहले चरण में उन शिक्षकों को मौका मिल सकता है जो दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, वही दूसरे चरण में आम शिक्षकों का अंतर जिला तबादला होगा। दोनों प्रक्रिया हर हाल में फरवरी तक पूरा करने का लक्ष्य हो रहा है ताकि नए सत्र में शिक्षकों सभी स्कूलों में पढ़ाई करा सके। पर सभी स्कूलों में शिक्षकों का अंतर जिला तबादला प्रक्रिया अक्टूबर में ही शुरू होनी थी, लेकिन अब इस संबंध में कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इसी माह पहले चरण के लिए आदेश जारी हो सकता है। शिक्षकों के ऑनलाइन अंतर जिला तबादले के लिए मौजूदा सत्र शून्य नहीं होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होगी। तबादले 2 चरण में इसलिए हो सकते हैं क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन तबादले में दिव्यांगों, बीमारी से पीड़ित और महिला शिक्षकों को प्राथमिकता देने का निर्देश हुआ था, लेकिन तबादला सूची में इनका ख्याल नहीं रखा जा सका। तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट तक हुई, ऐसी नौबत ना आए इसलिए प्रक्रिया लागू करने में बदलाव हो रहा है। 3 बार भेजा जा चुका है प्रस्ताव। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय अंतर जिला तबादले के लिए जनवरी से लेकर अब तक 3 बार प्रस्ताव भेजा जा चुका है। पिछले दिनों कुछ नए बिंदुओं पर सुझाव लिए गए, संभव है कि परिषद फिर नया प्रस्ताव भेजे। पारस्परिक स्थानांतरण पर जोर, अंतर जिला तबादले में पारस्परिक स्थानांतरण पर जोर रहेगा, यानी शिक्षक यदि पसंदीदा जिला में जाना चाहते हैं तो संबंधित जिले का कोई शिक्षक भी उसके स्थान पर आने को तैयार हो तो ऐसे तबादले आसानी से कर दिए जाए। इस व्यवस्था में पहली बार पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए इस बार ऑनलाइन सब कुछ लिया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीजें होंगी। तो देख रहे होंगे आप लोग यार इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में चलिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि म्यूचुअल ट्रांसफर रहेगा। तो दोस्ती देखिए दोस्तों, जितनी ज्यादा आप लोग के दोस्त बनेंगे उतना ही फायदा होगा। कभी कभी दोस्तों अगर आप लखनऊ में रहते हैं, जैसे कि आपको पता है अगर लखनऊ में रहते हैं, अगर आपका कोई दोस्त आगरा में रहता है, ठीक है अगर आपका आगरा का दोस्त को लखनऊ आना, अगर आपको आगरा जाना है तो आप लोग एक दूसरे के स्थान पर ट्रांसफर ले सकते हो। तो ये सब अच्छी खबरें हैं आप लोगों के लिए, तो आने वाले टाइम में होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि
कि 70 से अधिक गुणांक पर अगर 22,000 छात्र हो जाते हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि 69,000 शिक्षक भर्ती में, चलिए 22,000 को छोड़िए हम 20,000 ही मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 20,000 सीटें हम हटा देते हैं तो सिंपल सी बात है दोस्तों कितनी सीटें बचेंगी, 49,000 सीटें बचेंगे आपके लिए सिर्फ। ठीक है दोस्तों, तो अगर 49,000 सीटें बचेंगे, अगर उसमें से हमारे ये माने कि अगर हमारे 30 से 40 हजार शिक्षा मित्र सीट लेकर चले जाते हैं, 30 से 40 हजार, फिर दोस्तों आपके पास सिर्फ और सिर्फ 19 से 9 हजार से लेकर 19 हजार के बीच में सीटें बचेंगे, तो दोस्तों उस समय कंपटीशन काफी तगड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपकी जीत किस पर होगी, अगर आपके नंबर कम आ रहे तो दोस्तों आपको कम से कम 60-65 को जिताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नौकरी की रेस से तुरंत बाहर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कहा कुछ भी नहीं जा सकता। देखिए सभी बच्चे कैटेगरी अलग होती है, अगर हम एक बात आपको समझा देना चाहते हैं एक और, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है ठीक है, और वह एक बच्चा ओबीसी में आता है, एक बच्चा एससी में आता है, एक बच्चा एसटी में आता है ठीक है, अगर जनरल में वही बच्चा 65 अंक का गुणांक पाता है तो वो नौकरी नहीं पाएगा, ओबीसी में 65 अंक का गुणांक पाया गया तो 50-50 दोस्तों उम्मीद है, ये दोस्तों हम बात करें 40 और 45 कट ऑफ की बात कर रहे हैं ठीक है, पहले इस बात को समझना है। एससी में 265 अंक का गुणांक तो दोस्तों काफी चांसेस हो जाएंगे 80% की नौकरी पाएगा, अगर दोस्तों ये एसटी कैटेगरी से 65 अंक का गुणांक पा रहा है तो लगभग 99% श्योर है दोस्तों इसको नौकरी मिलेगी, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इसका रेशियो गिर रहा है, तो 65 में दोस्तों अगर जनरल में तो उसके नौकरी पाने के चांसेस सिर्फ 33% होगा जो कि काफी कम है, इसलिए दोस्तों हमने कहा कि नौकरी पाने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है, तो आप समझ रहे होंगे यार कि कितना ज्यादा डिफरेंसेस आ जाएगा। ठीक है फिर से दोस्तों अगर हम एक ले एक जनरल से लड़का एक 85 अंक का गुणांक ला रहा है, 85 अंक का गुणांक तो दोस्तों 100% नौकरी मिलेगी आपको तो पता ही है, तो इसमें कहने की कुछ बात ही नहीं है। अगर कोई जनरल में दोस्तों मान लेते हैं 70 अंक का गुणांक ला रहा है तो भी दोस्तों 40-45 पर उसकी नौकरी पाने की जो उम्मीद रहेगी वो 80% ही है, 99 नहीं है, अगर दोस्तों ओबीसी से अगर आप 70% ला रहे हैं तो लगभग दोस्तों आपका 100% श्योर है कि आप नौकरी मिलेगी, एससी से दोस्तों आप लोग का ये भी 100% श्योर है दोस्तों आपको नौकरी मिल जाएगी, एसटी से दोस्तों अगर आप आते हैं तो आपको 200% श्योर है कि आपको नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों समझ लीजिए आपके लिए नौकरी रखी है अगर आप एसटी कैटेगरी से 70 अंक का गुणांक बना लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यार कैटेगरी का बहुत ज्यादा मैटर करेगा, तो दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसके हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी आप या नौकरी से बाहर होंगे, तो दोस्तों ये सब नया सर्वे हमने था ये आज हमने देख लिया, तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है अब तक, दोस्तों देखिए एक सर्वे आपके लिए फिर से बहुत ही जल्द किया जाएगा तो आप लोग तैयार रहिए, और उसमें दोस्तों काफी और क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि और ज्यादा क्लियर करेगा दोस्तों कि कितने बच्चे एटलीस्ट पास हो रहे हैं, क्योंकि अगर 70 से अधिक गुणांक जितने ज्यादा बच्चों को बनेगा उतना ही ज्यादा दोस्तों दिक्कत होगा जो 70 से कम गुणांक पर है। ठीक है देखिए दोस्तों ये और बाकी के जो इतने बच्चे बच रहे हैं ये 70 से कम गुणांक पर आते हैं तो दोस्तों इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, समझ रहे हैं, तो 65 से कम गुणांक पर दोस्तों जो बच्चों की संख्या वो काफी ज्यादा 37% है, 60 से कम पर दोस्तों 18% आ रही है, 70 से कम पर 23% है, तो दोस्तों ये काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा करेंगे आने वाले टाइम में इन बच्चों के लिए। अब ये बच्चे जरूर चाहेंगे कि 60-65 के जीतो, लेकिन दोस्तों दिक्कत ये भी तो है ना अगर इनके 90-97 से कम नंबर है फिर ये बच्चे फंसेंगे, अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों सभी बच्चे यार 60-65 90-97 का आंकड़ा क्रॉस कर गए होंगे, तो दोस्तों अगर यहाँ पर एक बीच का रास्ता होता जो कि 82 और 90 नंबर की पासिंग मार्क रखी जाती तो दोस्तों सच बता रहे हैं कि इसमें बहुत ही ज्यादा बच्चों को फायदा होता और सभी बच्चों को तो नौकरी तब भी ना मिल पाती, मिलेगी तो 69,000 बच्चों को ही, लेकिन दोस्तों इसमें काफी बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, 82 90 दोस्तों अगर आपकी कट ऑफ बन जाएगी, अगर इस कट ऑफ पर दोस्तों शिक्षक भर्ती की जाती है तो आपकी समझ लीजिए 100% सीटें फुल हो जाएंगी, 69,000 में एक भी सीटें रिक्त नहीं रहेंगी, अब दोस्तों 90-97 पर करने का अगर वैकेंसी होगी ना तो देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा सीटें खाली रह जाएंगी। ठीक है एक बात आपको बता दें अगर कोई इसमें एससी कैटेगरी की सीट है तो दोस्तों एससी कैटेगरी की सीट सिर्फ एससी कैटेगरी के बच्चे को ही मिलेगी, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, अब ये कोई आपके एडमिशन की प्रक्रिया नहीं चल रही है कि एडमिशन में दोस्तों आपने देखा होगा जब अभी यूपी डीएलएड का हुआ था 2019 वाला कि 80 सीटें खाली रह गई तो उसमें क्या क्या सभी सीट को जनरल बनाकर उसमें एडमिशन लिया गया, लेकिन दोस्तों ये नौकरी की सीट होगी, अब एससी की सीट में एससी का ही बच्चा नौकरी पाएगा, अब ये बात को आपको समझना है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और अगली वीडियो में एक और नए महासर्वे के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।